बच्चों आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं बेटा रेडॉक्स अभिक्रिया को संतुलित करना। समीकरण संतुलित करने का एक क्वेश्चन अपने जरूर आता है। इसमें बेटा दो मेथड है। सबसे पहला मेथड है आयन इलेक्ट्रॉन विधि द्वारा समीकरण संतुलित करना। आयन इलेक्ट्रॉन विधि इसको अर्ध अभिक्रिया विधि भी कहते हैं। इसमें समीकरण को दो भागों में बांटना है। रेडॉक्स रिएक्शन यानी जो है रेडॉक्स अभिक्रिया में दो भाग होते हैं, एक ऑक्सीकरण और एक अपचय। तो दो भाग कौन से होंगे, एक ऑक्सीकरण होगा एक अपचय होगा। तो इस विधि से संतुलित करने के लिए अपन को क्या करना है, सबसे पहले निम्न पदों में जो है काम करना है। सबसे पहला है सर्वप्रथम दी गई रेडॉक्स अभिक्रिया को दो भागों में बांटना। कौन से दो भाग, आप सबको पता है एक ऑक्सीकरण होता है और एक अपचय होता है। दो भागों में बांटना। सर्वप्रथम दी गई रेडॉक्स अभिक्रिया को दो भागों में पृथक करना। दो भागों में इसको बांट लेंगे। प्रत्येक अर्ध अभिक्रिया को निम्न दो भागों में या निम्न पदों में अपन संतुलित करेंगे। प्रत्येक अभिक्रिया मतलब एक एक अभिक्रिया अपन ले लेंगे, उसको कौन कौन से भाग है तो आपको पता है कि इसको याद करने का एक ट्रिक है कि इसमें पोहा पोहा मतलब जो है वो अपन खाते हैं ना, उसमें अपन ने एक स्टेप को सेट कर लिया। पोहा का मतलब सबसे पहले आता है देखो पी ओ एच ए। पी में अपन क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले परमाणु को संतुलित करेंगे। परमाणु संतुलित करना में क्या करेंगे, सबसे पहले कोई भी संख्या से उसको बैलेंस कर लेंगे। कोई भी नंबर लगाते हैं उसको बैलेंस कर लेंगे। उसके बाद में नंबर है ऑक्सीजन को बैलेंस करना। ओ का मतलब है ऑक्सीजन को बैलेंस करना, ऑक्सीजन को संतुलित करना। ऑक्सीजन को संतुलित करने के लिए अपन को क्या करना है, अपन को वाटर जोड़ने हैं, जल जोड़ेंगे, H2O जोड़ेंगे, है ना। उसके बाद में हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए H+ जोड़ेंगे, ठीक है ना। H+ को H को संतुलित करना और उसके लिए क्या जोड़ना है, H+ जितने भी कम हो उतने H+ जोड़ देंगे। उसके बाद में है आवेश संतुलित करना, आवेश को संतुलित करना। दोनों तरफ चार्ज बैलेंस करेंगे। इसके लिए क्या करना है कि आपको इलेक्ट्रॉन ऐड करने, जिस तरफ चार्ज ज्यादा हो उस तरफ इलेक्ट्रॉन करना है। तो ये होगा इलेक्ट्रॉन द्वारा। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है पी में परमाणु संतुलित करना, ऑक्सीजन को संतुलित करना, हाइड्रोजन को संतुलित करना है, फिर आवेश को संतुलित करना। तो ये पद अपने जो है इसमें काम में लेना है। अब अपन क्या करेंगे, एक एग्जांपल लेते हैं जिसको बैलेंस करने के लिए। हाँ बच्चों, अब सबसे पहले एक उदाहरण लेते हैं। Cr2O7 प्लस फेरस Fe2+ H+ दिखाता है एसिडिक मीडियम को। ये फेरिक आयन है और ये क्रोमियम है। तो सबसे पहले क्या करना है, दी गई समीकरण को दो अर्ध क्रियाओं में बांटना, दो हाफ रिएक्शन में बांटना। तो देखो डाइक्रोमेट आयन है, ये बदल रहा है Cr3+ में और फेरस बदल रहा है फेरिक में। तो सबसे पहले जो गिवन रिएक्शन है, जो दी गई क्रिया है, उसको दो भाग में बांट लेंगे। पहला कौन सा भाग है, Cr2O7 2- किसमें बदल रहा है, Cr3+ में इसमें बदल रहा है। और दूसरी अर्ध अभिक्रिया कौन सी है, फेरस कन्वर्ट हो रहा है फेरिक में। तो दो अर्ध क्रियाओं में बांट लेंगे। अब प्रत्येक क्रिया को एक एक को उठाएंगे और उसमें चार पद में इसको संतुलित करेंगे। चार पद कौन से, आपको पता है पोहा मेथड लगाएंगे अपन इसमें। तो सबसे पहले अपन यहां लिख लेते हैं POHA। सबसे पहले केंद्रीय परमाणु को संतुलित करना में केंद्रीय परमाणु, यहां गिनी आप क्रोमियम 2 है या क्रोमियम 1 है, तो अपन को क्या करना है, या 2 है तो यहां आगे अपन क्या करेंगे, 2 लगा देंगे। तो ये हो गया, परमाणु संतुलित हो गया है, इसको अपन संख्या से संतुलित कर लेंगे। उसके बाद में आता है ऑक्सीजन संतुलित करना। ऑक्सीजन को संतुलित करने के लिए जल लेते हैं, वाटर। कितने ऑक्सीजन है बेटा, इधर देख लीजिए 7 ऑक्सीजन है, इधर कुछ भी ऑक्सीजन नहीं है, इसलिए इसमें अपन क्या करेंगे, उधर कम है तो उधर 7 जल के अणु जोड़ देंगे। आइए Cr2O7 2- gives
2Cr3++, इधर 7 ऑक्सीजन है, तो इसको बैलेंस करने के लिए जल के अणु जोड़ेंगे। जल के अणु अपन को किधर जोड़ना है, जिस तरफ ऑक्सीजन कम हो। उसके बाद में किसका नंबर लगेगा, हाइड्रोजन। पोहा मेथड से ध्यान देने के पहले ये करना है, परमाणु को संतुलित करना है, फिर ऑक्सीजन को संतुलित करना है, फिर हाइड्रोजन को संतुलित करना है। हाइड्रोजन संतुलित करते हैं, इधर एक भी हाइड्रोजन नहीं है, इधर आपके 14 हाइड्रोजन है, तो अपन को इधर आपको 14H+ जोड़ने हैं, जिस तरफ कम है उस तरफ। तो Cr2O72-plus 14H+ ये दे देगा Cr3++ 7H2O, इसमें 7H2O जोड़ देंगे। अब किसका नंबर है लास्ट, आवेश। आवेश किसको कहते हैं, ऊपर जो लगा हुआ है चार्ज। चार्ज कितना है यहां पर देखते हैं, माइनस का 2, ये प्लस का 1 एच प्लस पे होता है, ये 14 है तो 14 प्लस का, 3 × 2 = 6 प्लस का, और यहां पर कोई चार्ज नहीं है तो 0 हो गया। अब ज्यादा किधर है वो देख लेते हैं, 14 में से 2 जाएंगे तो इधर तो 12 है और इधर 6। तो बच्चों जिस तरफ आवेश ज्यादा है किधर है 12, इस तरफ हमको क्या करना है, इलेक्ट्रॉन जितना इनका डिफरेंस है उतने इलेक्ट्रॉन जोड़ दें। तो 6 का डिफरेंस है तो 6 इलेक्ट्रॉन अपन LHS, ठीक है ना, LHS में जोड़ेंगे, लेफ्ट हैंड साइड पे 6 इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे, और इस प्रकार ये अर्ध अभिक्रिया संतुलित हो जाएगी, आधी संतुलित होगी अभी। कैसे, आइए देखते हैं। तो Cr2O72-plus 14H+, ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ आवेश ज्यादा है तो इस तरफ 6 इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे, 6 इलेक्ट्रॉन गिव 2Cr3+ 7H2O, ये 6 इलेक्ट्रॉन, ये हो गई समीकरण नंबर 1, अर्ध अभिक्रिया संतुलित हो चुकी है और इसको अपन कहेंगे समीकरण नंबर 1। ये अभी ऐसे कैसे दूसरी क्रिया भी संतुलित करते हैं और फिर अपन इसको आगे बढ़ाते हैं। हाँ बेटा, दूसरी अर्ध क्रिया है अपने पास, फेरस बदल रहा है फेरिक में, इसको भी संतुलित करना है, तो वही चार पद देखने हैं। सबसे पहले परमाणु को संतुलित करना है, उसके बाद में ऑक्सीजन हो तो उसको, फिर हाइड्रोजन और फिर आवेश। तो सबसे पहले Fe देखते हैं, Fe एक है, इधर भी एक है, कोई बैलेंस करने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी बैलेंस है। हाई ऑक्सीजन यहां पर है नहीं, ऑक्सीजन को बैलेंस करने की जरूरत नहीं। उसके बाद में हाइड्रोजन, हाइड्रोजन भी यहां पर है ही नहीं, तो बैलेंस किसको करना है, बैलेंस की कोई जरूरत नहीं है। फिर लास्ट में आता है आवेश। आवेश इसके ऊपर है +2 और इसके ऊपर है +3, एक का डिफरेंस है, तो अपन को जिस तरफ ज्यादा है उस तरफ ज्यादा है, एक इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे। अब दोस्तों ये जो पढ़ रहे हैं रेडॉक्स अभिक्रिया है कि जितने इलेक्ट्रॉन लूज किए जाते हैं, जितने त्यागे जाते हैं उतने ही ग्रहण किए जाते हैं। तो अपन ने पहले समीकरण में देखा था कि इलेक्ट्रॉन कितने जोड़े थे अपन ने, 6, यहां एक ही है, तो इसको भी अपन को 6 बनाना पड़ेगा। तो कैसे बना सकते हैं, एक को अपन को 6 से गुणा कर दो, 6 बन जाएंगे, तो इसको समीकरण को अपन को 6 से गुणा करना पड़ेगा। तो 6Fe2+ गिव्स 6Fe3+ 6 इलेक्ट्रॉन, तो ये समीकरण नंबर हो गई आपके 2। समीकरण नंबर 2, 6 इलेक्ट्रॉन अपन ने कर लिए, उसमें 6 जो गेन किए थे इसमें लूज कर रहे हैं, यानी उसमें ग्रहण किए थे तो इसमें त्याग रहे, बराबर कर दिए। अब आपको कुछ नहीं करना है, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को जोड़ लेना है, दोनों को जोड़ेंगे और जो इलेक्ट्रॉन है उसको कट कर देंगे और फाइनली अपने पास में समीकरण संतुलित प्राप्त हो जाएगी। तो बच्चों समीकरण एक आपके लिखी हुई है कॉपी, आपको बोर्ड में देख अभी लिखी थी, आपने नोट की थी तो आप नोट कर लें। ये समीकरण थी Cr2O72-plus 6 इलेक्ट्रॉन plus उसके बाद में आपके पास में थे H2O7H2O gives Cr3+, ये आगे यहां 2 लगा हुआ था, प्लस 14H+, ये आपके पास समीकरण थी। और उसके बाद में अपन क्या करेंगे कि इसमें जो है 14H+ हो गया, इन दोनों को समीकरणों को ऐड करेंगे तो फाइनल इक्वेशन अपने पास में आ जाएगी। तो फाइनल इक्वेशन अपन को लिख देते हैं, क्या कटेगा इसमें 6 इलेक्ट्रॉन से 6 इलेक्ट्रॉन कट कर दीजिए और बाकी सारी इक्वेशन दोनों को जोड़ के लिख देते हैं, फाइनल इक्वेशन आ जाएगी। ये यहां से लिखते हैं फाइनल इक्वेशन, Cr2O72-plus 6Fe2+, उसके बाद में आ जाएगा 7H2O gives
2Cr3+ कहां से आ रहा है, ये वाला, फिर ये 6 6Fe3+ + 14H+। अब उसके बाद में एक एक अपन उसको चेक कर लेते हैं कि अपने पास में जो है कितने हैं ऑक्सीजन है, इन सबको बैलेंस कर लेते हैं। उसको बैलेंस करने के बाद में अपने पास में इक्वेशन बैलेंस आ जाएगी। ओके हाँ बेटा, तो समीकरण नंबर एक को अपन ने यानी एक बार थोड़ा करेक्शन कर ले, Cr2 7 2 - 6 इलेक्ट्रॉन 14H+। समीकरण एक आपके लिए क्यों मिला ले, 2Cr3+ 7H2, 6 इलेक्ट्रॉन से 6 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे, बाकी अपन लिख देंगे यहाँ से Cr2 7 2 - 6 Fe2+ 14H+, ये इधर हो गए 2Cr3+, ये रहा 6 Fe3+ और 7H2, ये आपकी फाइनल इक्वेशन आ गई है बैलेंस। अब इसको कर लेते हैं चेक और उसके बाद में लिख देंगे इसको हेंस प्रूफ। तो इसको चेक कर लेते हैं, तो ये क्या है इक्वेशन, ये -2 + 12 + 14 + 6 + 18, ये भी 24 और ये भी 24, चेक कर ले दोनों तरफ अभी एकदम बैलेंस है, चार्ज एकदम बैलेंस आ चुके हैं। इस तरह से बेटा ये बैलेंस इक्वेशन है एकदम, इसको सम चेक कर सकते हैं अपन, 24 इधर भी और 24 चॉइस इधर भी है और चॉइस इधर भी, ये अगले माध्यम में अपने समीकरण को संतुलित कर लिया है। अगले वीडियो में अपन इसको शारी माध्यम में कैसे करते हैं वो देखेंगे।